चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा एडवांस है, कारण क्या है वो अभी आपको समझ में आएगा। लिखा हुआ है ए का स्थान बाईं ओर से 15वां, बी का स्थान दाईं ओर से 16वां है। यदि सी ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर तथा बी के बाईं ओर पांचवें स्थान पर है तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो भाई पहले तो यहाँ पर व्यक्ति अब तीन हो गए हैं, ए बी और सी। और दूसरा बदलाव क्वेश्चन के अंदर क्या है तो वो अभी आपको पता लगेगा जब आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। भाई सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ए का स्थान कहाँ पर दिया गया है तो इस बार बाएं से दिया गया है। और कौन सा स्थान है तो भाई ए यहाँ पर बैठा हुआ है। और स्थान कौन सा है या दूरी कितनी है तो ये 15 के स्थान पर है, ठीक है। आगे क्या कहा गया, बी का दाई ओर से 16वां स्थान है। लेकिन इस बार क्वेश्चन के अंदर अगर आप आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बी की पोजीशन नहीं दी गई है कि बी ए के लेफ्ट में बैठा है या बी ए के राइट में बैठा है, ये आपको नहीं दिया गया। केवल आपको आगे ये कहा गया है कि जो सी है वो ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर तथा बी के बाईं ओर पांचवें स्थान पर बैठा है। तो भाई जब कभी क्वेश्चन में ऐसी स्थिति बन जाए कि व्यक्ति की पोजीशन क्लियर ना हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आप एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। वो एक और लाइन क्यों ड्रॉ होगी तो भाई क्योंकि भाई जो व्यक्ति है दूसरे वाला बी, एक बार तो आप उसे ए के लेफ्ट में बिठाएंगे और दूसरी वाली फिगर के अंदर आप उसे ए के राइट में बिठाएंगे, तब जाके आप क्वेश्चन को लेकर आगे चलेंगे। तो भाई एक बार हम क्या कर लेते हैं, एक बार हम बी को ये मान लेते हैं कि वो ए के राइट में बैठा है। एक बार तो हमने ये मान लिया, राइट मतलब दाया। और एक बार हमने क्या मान लिया, एक बार हमने ये मान लिया कि जो बी है वो ए के लेफ्ट में बैठा है। ए की दूरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए की दूरी कितनी है तो भाई वो बाएं से पहले भी 15 थी और वो अब भी कितनी है, 15 है। बी की पोजीशन क्या दी गई है, बी को कहा गया है दाईं ओर से 16वें स्थान पर। तो भाई अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ तो दाईं ओर से बी यहाँ पर आ जाएगा तो स्थान कौन सा हो जाएगा, 16वां। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा तो मुझे दूरी को यहाँ तक कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये भी कितना हो जाएगा तो ये भी 16 हो जाएगा। इतनी बात ठीक है, आगे चलते हैं। सी जो बैठा हुआ है ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। तो भाई अगर आप ये लाइन पढ़ते हैं कि सी ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है तो भाई ए के दाईं ओर सी को बिठाना है। तो भाई अगर ए के दाईं ओर सी को बिठाता हूं तो मान के चलिए कि एक बार तो मैंने सी को यहाँ पर बिठा दिया। अब जो पहले वाला डायग्राम है वहां पर सी के बैठने की भी दो पोजिशन बन गई। भाई हो सकता है वो ए और बी के बीच में हो, भाई अगर मैं यहाँ पर बैठाता हूँ तब भी वो ए के दाएं हैं और अगर मैंने सी को यहाँ बिठाया अब भी वो ए के दाएं हैं। भाई पहले अगर पहली वाली कंडीशन को देखते हैं तो सी ए के दाएं बैठा है तो अगर बी के बीच में बिठाएंगे तब भी वो ए के दाएं हैं, बी से आगे बिठाएंगे तब भी वो ए के दाएं हैं। और अगर दूसरे वाले डायग्राम में चलते हैं तो यहाँ भी हमने सी को कहाँ बिठाया है, ए के दाएं बिठाया है। तो अब तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो अगली लाइन है वो अब सब कुछ क्लियर साफ साफ कर देगी। लिखा हुआ है सी ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर तथा बी के बाईं ओर, यानी ये जो सी है ये बी के बाईं ओर बैठा है। तो भाई सबसे पहले तो आप दूसरे वाले डायग्राम को देखें और देख के बताएं कि ये जो यहाँ पर सी बैठा है क्या ये बी के बाईं ओर है, तो आप कहेंगे ये बी के बाईं ओर नहीं है तो ये डायग्राम हो गया खत्म, क्योंकि ये बी के भी दाईं ओर आ रहा है। इस डायग्राम की कहानी खत्म हुई, तो इस वाले डायग्राम को अब हम हटा देते हैं, इसका काम खत्म। अब यहाँ पर देखते हैं भाई जब सी के बाईं ओर, जब सी बी के बाईं ओर बैठा है तो वो दाईं ओर नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ से भी सी हट गया। तो अब आप देखेंगे आपको तीनों पोजीशन क्लियर हो गई, ए की पोजीशन भी क्लियर हो गई, बी की भी क्लियर हो गई और सी की भी क्लियर हो गई, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए का स्थान बाईं से 15वां हो गया, बी का स्थान दाईं ओर से 16वां हो गया और सी जो बैठा है वो कहाँ बैठा है, ए के दाईं ओर बैठा है और बी के बाईं ओर बैठा है। और जो जगह आपको दी गई है वो अब आप लिख सकते हैं, ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर, यानी ये दूरी कितनी है तो ये दूरी 4 है। बी के बाईं ओर बैठा है कौन से स्थान पर, पांचवें स्थान पर, यानी ये दूरी कितनी है तो ये दूरी 5 है। आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया हो। अब आपको सिंपली क्या करना है, केवल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। तो भाई व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए पहले आप दूरी निकाल लीजिए। तो भाई यहाँ से लेकर और ए तक की, यहाँ तक की दूरी कितनी है तो वो आपके पास 15 है। ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी है, 4 है। सी से लेकर बी तक की दूरी कितनी है, 5 है। बी से लेकर और राइट यानी दाएं तक की दूरी कितनी है तो वो 16 है। टोटल कैलकुलेट करेंगे 15 और 4 19, 19 और 5 24, 24 में आप 16 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 40। लेकिन ये अभी व्यक्ति नहीं आए,
ये हमने अभी क्या निकाली है, ये दूरी निकाली है, तो व्यक्ति कितना हो जाएगा एक कम, तो आंसर कितना आ जाएगा 39।